क्या होने वाला है भैया, लास्ट डेट कैसा? अरे हटाइए भी ये इधर। मतलब मेरे पीछे ही लगा दिया, जैसे कोई कोलगेट वाला एड और अब ये जिन्होंने, खैर अब छोड़िए, ये क्या क्या डेवलपमेंट, क्या लास्ट रेट है, इतना बड़ा चंक कहां से आ गया? तो देखिए, येस्टरडे जोमेटो का शेयर 20% सर्किट पे था। कॉनकॉल भी जो मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर कहा था, रिसेंट एनालिस्ट मीट पे कहा था, वही दोहराया है। कोई नई चीज नहीं आई, लेकिन एक नई चीज जरूर हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज एक बड़ी ब्लॉक डील यानी कि बंच ट्रेड्स हो सकते हैं जोमेटो में। अगर हम बात करें तो कुल मिला के 61 करोड़ शेयर्स जो है वो बिकने आने वाले हैं आज। 8% इक्विटी की हिस्सेदारी बिकने को आ रही है। और ऊबर, हाँ ऊबर जो ग्लोबली जो होल्डिंग कंपनी है उनकी, ऊबर बीवी, वो अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। और अगर आपको याद है तो ऊबर ने अपना ऊबर ईट्स का इंडिया कारोबार जोमैटो को बेचा था 2020 में, 2020 में $200 मिलियन के करीब, और इसकी वैल्यूएशन बढ़ के 9,000 करोड़ हो गई थी। क्योंकि जोमैटो का शेयर नीचे आया और लॉक इन अभी खुला, तो ऊबर ने फैसला लिया कि जैसे ही लॉक इन खुलेगा वैसे ही शेयर वो बेचने आएंगे। और अगर हम बात करें तो लगभग 380-400 मिलियन डॉलर के आसपास ये ट्रांजेक्शन आपको होता हुआ आज दिखाई दे सकता है। जहां तक कि सूत्रों का सवाल है आशीष, मुझे ये कहा गया है कि 2 टाइम डिमांड है, मतलब 120 करोड़ शेयर की डिमांड ऑलरेडी है। 4 लॉन्ग ओनली FII फंड यहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि एंकर जो होते हैं या जो बड़े निवेशक होते हैं, और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में भी अच्छी डिमांड है। और मुझे इंडिकेटिवली ये बताया गया है कि 49-50 रुपीज के बीच में शायद ये सौदा आपको एक्सचेंजेस पे गिरता हुआ नजर आए। तो कुछ 14% का, अप टू 14% का डिस्काउंट है। शायद उतना बड़ा डिस्काउंट आपको ना मिले, और लोअर एंड पे काफी अच्छी डिमांड आपको आती हुई दिखाई दे रही है। तो कोई डिसअपॉइंटिंग चीज नहीं है कि शेयर एकदम कोलैप्स हो जाएगा, सप्लाई बड़ी आ जाएगी। हाँ लॉक इन खुला हुआ है। थोड़े दिनों पहले सुमित ने हाईलाइट भी किया था कि शेयर बिकने को आएंगे, स्टॉक प्रेशर में भी था, लेकिन वहां से बाउंस बैक हुआ है। और कहीं ना कहीं यहां इस डिमांड पे, इस प्राइस पॉइंट पे डिमांड अच्छी है। और क्वार्टरली अर्निंग्स जो नतीजे आए और जो मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस दिखाया, उसको लेके काफी सेटिस्फेक्शन आया है। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस है बाजार में कि जोमैटो का शेयर पे आपको 49-50 रुपीज के लेवल पे काफी अच्छी डिमांड आती हुई दिखाई दे सकती है आज के सत्र में। ये जरूरी था भाई, हम तो डरे हुए थे। 14% डिस्काउंट था, कल 20% की रैली, हमको सब चुपका जाएंगे, हम तो ऐसा डरे हुए थे। तो अब ये जो बड़ा आना, बहुत ह्यूज चंक है भाई, ऑलमोस्ट 7.5% इक्विटी आज ट्रांजैक्ट होती हुई नजर आएगी, डिस्काउंट पे होती हुई नजर आएगी। पर यतिन कह रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसाइट ये कि डिमांड तगड़ी है उस चंक को लेकर, तो बहुत ज्यादा शेयर शायद कोलैप्स ना हो। ये डिमांड अच्छी थी तो महीने शेयर में खुले बाजार से ले लेते, 40 का भाव ही तो दिखाया था हमको। नहीं, अल्टीमेटली आई थिंक नंबर्स पे सब कुछ चलता है अच्छी थी, और आई थिंक नंबर्स बेटर आए थे, लॉट ऑफ एनालिस्ट और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से। तो बिल्कुल आई थिंक जैसे मोटा भाई कह रहे थे, आई थिंक सप्लाई आ सकता है, बट आई थिंक जो कल नंबर्स आए थे परसों, उसके वजह से थोड़ा आई थिंक इंटरेस्ट वापस आया, बट आई थिंक वी स्टिल रिमेन अ लिटिल बिट वेरी, आई थिंक हम प्रॉफिटेबल बिजनेसेस की तरफ ही देखते हैं। तो ठीक है, वो आपका हाउस कॉल ठीक, तो डिमांड अच्छी है इस चंक के लिए, और दूसरा एक फिर बड़ा ओवरहैंग भी खत्म होता हुआ नजर आएगा, एक ह्यूज चंक बिकता हुआ नजर आएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद शायद सेलिंग का, एक तो एक साल का लॉक इन खुलने वाला सेलिंग का प्रेशर, उसके बाद ये जो अटका हुआ माल था ये भी आज छूट जाएगा, उसके बाद शायद वो ओवरहैंग ओवरऑल खत्म हो स्टॉक से, वो मैसिव इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का, तो ये कुछ हो सकता है पॉजिटिव हो। लेकिन गावा सर, गिरावट में वापस खरीदोगे या आप रुक जाए? आपके चलते हमने तेजी तो एंजॉय कर ली, आपने वो ट्रेड सही पकड़ा था। मुझे लगता है थोड़ा आपको मिल सकता है, तो गिरावट में शायद जोमेटो 48 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां तक मिलता है तो लेना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट शायद रहेगा 64 तक, 63 तक, मेरे ख्याल से वहां तक तो एक मिलता है, लेकिन